दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान किशन यशस्वी ऋतुराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी ऑस्ट्रेलिया, खड़ा कर दिया T20 का सबसे बड़ा स्कोर। तो फिर बिश्नोई के साथ अक्षर पटेल ने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाते हुए इतिहास की सबसे खतरनाक और दर्दनाक हार का स्वाद उन्हें चखा दिया, हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो आखिरकार कैसे टीम इंडिया के युवा जोश और जुनून के आगे धराशायी हुआ विश्व चैंपियन? विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में दिखाएंगे हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर फेंकने के लिए मार्क स्टॉइनिस आए और पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और फिर तीसरी ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ता देख ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैक्सवेल की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोर कर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौथा ओवर फेंकने के लिए सेन एबॉट पर, यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और पहले 3 लगातार गेंद पर खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरान कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में 52 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने तुरुप का इक्का एडम जंपा को 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमा दिया, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आए एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। पावर प्ले की आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एलिस की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन एलिस के ही ओवर में 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच दे बैठे और 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 77 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया। केवल एक विकेट के नुकसान पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए ईशान किशन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईशान किशन बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज की धुनाई कर रहे थे जम करके। टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर में ही 164 रनों तक पहुंचा दिया। एडम जंपा से लेकर एलिस तक हर गेंदबाज की बेरहमी से धुनाई की और देखते ही देखते केवल 32 गेंदों में ही तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन अर्धशतक लगाते ही ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और मार्क स्टॉइनिस के शिकार हो गए। टीम इंडिया को 164 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगा, लेकिन मैदान पर अब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ गए और आते ही सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला और साथ ही साथ टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और मैदान में बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एलिस की गेंद पर 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक बना लिया सिंगल लेकर। लेकिन सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह आए। रिंकू सिंह ने आते ही 19वें ओवर में जबरदस्त कमाल दिखाते हुए इस ओवर में रिंकू सिंह ने 2 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके जड़कर सबसे महंगा ओवर बना दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अर्धशतक लगाने के बाद पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर तिलक वर्मा आ गए और आते ही शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अंत में रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने भी मैदान पर जबरदस्त तबाही का मंजर दिखाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में ही 235 रनों तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह ने केवल 9 गेंदों का सामना किया और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और 4 चौकों की मदद से 31 रन बना डाले। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ये स्कोर हासिल करना भारतीय गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था।
मैदान पर। पारी की शुरुआत करने स्टीव स्मिथ के साथ मैथ्यू शॉर्ट मैदान में उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। स्टीव स्मिथ तो बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वो केवल चौके और छक्कों से बात कर रहे थे। अपने टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल दो ही ओवर में 31 रन बना लिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश करने लगे और गेंद अपने तुरुप के इक्के रवि विश्नोई को थमा दी और उन्होंने भरोसे पर खरा उतरते हुए पांचवी ही गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को आखिरकार पहला विकेट मिल गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जोश इंग्लिश आ चुके थे, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और रवि विश्नोई के शिकार हो गए। टीम इंडिया को दूसरा विकेट 39 रनों पर मिला। इंग्लिश केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर ग्लैन मैक्सवेल आ गए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 5 ओवर में 2 विकेट लेकर 43 रन बना लिए थे। मैक्सवेल बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और 6वें ओवर की 4थी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को तीसरा विकेट केवल 53 रनों में ही मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन स्टीव स्मिथ एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब मार्कस स्टोइनिस आ गए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 53 रन ही बनाए और भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और एक के बाद एक सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया ने दूसरे T20 मैच को भी बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, अब आपको ईशान किशन, रवि विश्नोई और रिंकू सिंह में कौन मैच का रियल हीरो लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे में भारत की तूफानी बल्लेबाजी देखकर तमाम दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों को तूफानी पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से तूफानी पारी खेली है वह इस बात का प्रतीक है कि भारत के यह युवा बल्लेबाज किसी भी खिलाड़ी से डरने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से रिंकू सिंह हो या फिर ईशान किशन, सभी ने आज एक ऐसा प्रदर्शन किया जो शायद भारत के अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हो, लेकिन भारत की बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी खुश हूं। तो वहीं ब्रैंडन मैकुलन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज के मैच में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की है। भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलने के साथ बता दिया है कि वह भारत की नई जनरेशन है और इनको बल्लेबाजी करने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने भारतीय बल्लेबाजों में काफी ज्यादा धार पैदा कर दी है। ऐसे में भारतीय टीम की तूफानी को देखकर लग रहा है कि भारत को इस बार के T20 वर्ल्ड कप को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बुरी हालत अपनी तूफानी पारी के चलते कर दी है, जिसको देखकर लग रहा है कि भारत इस तरीके से आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगा और इस वर्ल्ड कप को भी अपने नाम कर लेगा। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत की तरफ से इस मैच में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन बल्लेबाजी ना की हो। सभी ने अपने तूफानी प्रदर्शन के चलते दिखाया कि कैसे आपको T20 फॉर्मेट खेलना चाहिए और विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान करते हुए घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहिए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों की तूफानी पारी देखने को मिली है। भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन पारी न खेली हो। भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन रिंकू सिंह ने किया है, जिसके चलते भारत में इतना बड़ा टारगेट सेट किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रिंकू सिंह के साथ बाकी खिलाड़ियों ने तूफानी पारी खेलकर सभी को प्रभावित कर दिया है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत की नई जनरेशन हमको विश्व विजेता बनाएगी। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है और भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन बल्लेबाजी न की हो। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन के सामने जिस प्रकार से तूफानी पारी खेली, उसके चलते भारत में बड़े टारगेट की नींव रखी और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली वाला रोल अदा किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी जैसा काम किया है और कप्तान ने रोहित शर्मा के साथ प्रदर्शन कर सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी का पता भी नहीं चलने दिया, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुकाबला शुरू हुआ, हम टॉस हारे, हमें बल्लेबाजी मिली और हमारे एक एक खिलाड़ी ने मैदान में उतरकर ना दोस्तों अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की शुरुआती दौर में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, जरा ये आंकड़े सुनिए। यशस्वी जायसवाल 25 गेंदों में 53 रन 9 चौके 2 छक्कों के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ 41 गेंदों में 3 चौके 1 छक्के 52 रन बनाकर, और दोस्तों ईशान किशन वो तो 32 गेंदों में 3 चौके 4 छक्के जड़कर पूरे 52 रन बनाकर गए। मतलब कि 53 52 और 52 का ये स्कोर भारत को ऑलरेडी 200 के पार ले जा चुका था, क्योंकि दोस्तों इसमें सूर्य कुमार यादव की पारी का तड़का भी लगा था। दोस्तों सूर्य ने भी मैदान में आकर 2 छक्के जड़े और 10 गेंदों में 20 रन बनाकर भारत के लिए ना सारी कसर को पूरा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभी तो पिक्चर बाकी थी, रिंकू सिंह का मैदान में आकर चलना बाकी था और दोस्तों रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट ऐसे बढ़ रहा था कि मानो दोस्तों बंदूक से निकली गोली की रफ्तार हो। दोस्तों आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने ना मैदान में आते ही कोहराम मचा कर रख दिया था। रिंकू सिंह द ग्रेट फिनिशर ने दोस्तों पारी के 19वें ओवर को अपना बनाकर सबको हैरान कर दिया।
सीन अबाउट उनके सामने आए और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पहली गेंद पर तो चौका रिंकू ने जड़ा, अगली गेंद उनके पैर कांपते हुए वाइड गेंद करा गए और फिर दोस्तों फिर क्या होना था, रिंकू ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।